ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਥੈਂਕਸ ਮਾਦੀ ਪਾਨਾ ਤੇ ਪਾਤਾ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾ ਪਦੰਸ ਧਮਪਦ ਗਾਥਾ ਕਥਾ 110 या 110 ये संकिच सामने जो अर्थ हो गए उनकी कथा है जैतवन की। इसकी कथा इस प्रकार है, एक बार 30 के करीब जो भिक्खु थे नए सामने आए और उन्होंने पवज्जा ली, नए नए आए थे पवज्जा ली, पवज्जा लेके भगवान से इजाजत मांगी कि हमें यहां से काफी दूर एक जंगल है, वहां हम जाके जंगल में ध्यान साधना विपस्सना करेंगे, हमें इजाजत है। भगवान ने उस जंगल के बारे में जानकारी रखते हुए कहा कि आप जाते हुए सारिपुत्र से मिलकर जाए। उन्होंने बताया कि भगवान ने आपसे मिलने के लिए कहा है, सारिपुत्र बात को समझे। उन्होंने एक अपना जो शिष्य था, सावक था, वो सावक संकिचना नाम का जो अरथ था उसको भेज दिया, जिसकी उम्र 7 वर्ष के आसपास थी। 7 वर्ष के आसपास में कई सावक, कई भिक्खु अर्हत हुए हैं, तो उन्होंने साथ में भेज दिया उन 30 जो नए सामने थे और वो जंगल में जाके विपस्सना साधना करने लगे। उसी जंगल में कुछ करीब 500 डाकुओं का, लुटेरों का, चोरों का एक पूरा का पूरा समूह रह जाता था। उस समूह को जब पता चली कि यहाँ कुछ लोग आ गए हैं, तो उन्होंने वहां प्रकृति के हिसाब से जो, क्योंकि उन दिनों बलि जो चलती थी, बलि का मतलब है कि जानवर को मारना या व्यक्ति की मान्या भी ऐसा बताते हैं कि होता था, तो उन्होंने नरबलि के लिए एक भिक्खु की मांग की कि हमें एक व्यक्ति चाहिए, हमें नरबलि चला के प्रसन्न करना है, हमारा काम ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा उनका अंधविश्वास, ऐसी उनकी मान्यता थी। तो कई जो नए भिक्खु थे उन्होंने अपने आप को पेशकश की कि आप, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, मगर जो 7 वर्ष के संकिंच अरन थे उन्होंने कहा कि नहीं, जो सारी पुत्र उन्होंने किसी कारणवश मेरे को यहां भेजा है, मैं जाऊंगा इनके साथ में, मैं अपनी बलि दूंगा, आप लोग सब अपना ध्यान विपस्सना साधना करें। और जो सकिंच 7 वर्ष के जो अरथ थे वो उनके साथ में चल दिए। 7 वर्ष के बच्चे को साथ देख के और धीर गंभीर देख के जो चोर डाकू का जो समूह था उनका माथा ठनका, उनका जो गुरु का जो सरगना था, सरदार था, वो देख के बड़ा आश्चर्य में हुआ, उसको बड़ा कौतूहल हुआ, बड़ी जिज्ञासा हुई कि ये छोटा सा बच्चा भिक्खू भी है और ये इतना शांत और गंभीर है, इसको बलि का पता नहीं है। शायद उन्होंने बलि के बारे में बताया कि हम तेरी अब गर्दन काटने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि जैसा प्रकृति, जैसा नियम, जैसा, क्योंकि अरथ के सब तो बड़े नब्बे तुले होते हैं, वो और ज्यादा जिज्ञासा में आ गए कि बच्चे के चेहरे पे एक शिकन तक भी नहीं आई, आंखें झपकी भी नहीं, कहीं कोई सरन नहीं, कुछ नहीं, जैसा बच्चा पहले था वैसा ही था, क्योंकि अरथ को फर्क नहीं पड़ता, अरथ होते ही वो है जिनके पास कोई भी वेदना संवेदना शरीर में आती है और टकरा के वापिस चली जाती है, कोई फर्क नहीं डालती। उन्हें जिज्ञासा हुई कि 7 वर्ष का बच्चा इतना स्थिर क्यों है, आखिर ये क्या चमत्कार है। उन्होंने बली बली तो भूल गए और अपने प्रश्न पूछने शुरू किए। अरथ ने, क्योंकि अरथ तो बहुत जानकार होते हैं, अरथ ने सारे प्रश्नों के जवाब बड़े सम्यक तरीके से, अच्छे तरीके से दिए और वो लोग धीरे 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 उनकी प्रज्ञा, उनकी पहिया बढ़ने लगी और उनकी बड़ी उत्सुकता हुई। उन्होंने कहा कि क्या आप सुखी हैं। उन्होंने कहा कि हम परम सुख हैं, निर्वाण परम सुख होता है। भिक्खु ने पूछा कि आप सुखी हैं, तो उन्होंने कहा हम तो बड़े दुखी हैं, इतना हम लूटपाट करते हैं, इतना माल लाते हैं, फिर भी हम परेशान रहते हैं, जबकि आपके पास सब कुछ नहीं है। इस रहस्य को जानने के लिए उन्होंने जानना चाहा, तो भिक्खु ने कहा कि आपको पवज्जा लेनी पड़ेगी। पवज्जा लेने के लिए वो तैयार हुए, भिक्खु ने उनको पवज्जा दी, सारे लोग वहां भिक्खु बन गए। ये बात भगवान बुद्ध को पता चली, भगवान बुद्ध को के संज्ञान में जब ये बात आई तो उन्होंने बड़ी बुरी बुरी प्रशंसा की अर्थ की और तब ये गाथा कही। यो चे वसस्संतं जीवे दुस्सीलो असमाहितो एकाहं जीवितं सेयो सीलवंतस्य झायो। यो चे वसस्संतं जीवे दुस्सीलो असमाहितो। यो चे का मतलब है जो, और यानी और जो, वसस्संतं जीवे का मतलब है, वस माने होता है वर्षा और सत्य माने होता है, सत्यंग माने होता है साल भर को, यानी कि कोई अगर साल भर भी 100 साल, सत्यंग माने 100 होता है, यानी कोई 100 वर्ष तक भी जीवे, दुस्सीलो ए समाहितो, यानी दुस्सील के साथ में, जो सील है उसके वो दुस्सील है, पाप सीलों के साथ में,
असमाहितो, असमाहिको तुतो का मतलब है असम्मा सहित, यानी जिसमें समता नहीं है, जो स्थिर नहीं है, जो अस्थिर चित्त से है, जिसका मन डावाडोल है, कभी इधर भागता है पाप में, कभी उधर भागता है। कोई अगर 100 वर्ष भी जिए जिसके सील खराब हो, जिसमें स्थिरता नहीं है, जिसका चित्त डावाडोल भागता है पाप के कर्मों के लिए। एकाहं जीवितंग सेयो, एकाहं का मतलब है कि केवल एक ही, जीवितंग सेयो, एक ही जीवितंग सेयो का मतलब जिए ना श्रेष्ठ है, यानी कि एक बार का ही जीना श्रेष्ठ है। कब? सीलवंतस्य झाइनो, सीलवंतस्य का मतलब है जो सीलवान है, और झाइनो का मतलब है जो ध्यानी है, ध्यान लगाता है, यानी कि जो ध्यान लगाता है, जो सील का पालन करता है, उसका एक बार का जीवन ही बहुत श्रेष्ठ है उसके मुकाबले में जो व्यक्ति दुशील है, जिसने बहुत पाप कर्म किए हैं, सारे दुशील ही दुशील हैं, और जो जिसका जो मन है वो इधर उधर भागता है, चाहे वो 100 वर्ष तक भी जिए। ये इस गाथा का मतलब है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kamesu Michacharavirmani Sikkhapadam Smadhyami